पासे भी पासे राह छड़। किथे चलिया तेनु पता नहीं इत्थे मत्था टेकन दा हक सिर्फ हवेली आले सरदारां नूं है। मैनू भी इत्थे मत्था रगड़न दा शौक नहीं, नाले मैं थोड़े सत्कार योग सरदार साहब कोल नहीं आया, मैं तो पिंड दे सरपंच साहब कोल आया। नवी नवी मिली गद्दी दियां बहुत बहुत बधाइयां सरपंच साहब। बख्शीश जी इहनूं कहो भी मैनूं गद्दी तां उसे दिन मिल गई सी जिद्दण मैं रंधावा खानदान च जन्म लिता सी। ओ हाँ सच, मैनूं तां सरदार साहब दा अफसोस करन दा मौका ही नहीं मिलिया। बड़ा दुख होया जी थोनूं, मैनूं तां जवां नहीं होया जी। अफसोस भी उहनूं ही होणा जिन्हें चिता नूं दाग दित्ता होगा। बख्शीश जी इहनूं पुछो इत्थे लैण की आया। सरपंच साहब जिन्हां सरदार साहिबाना की गद्दी ते तुसी बैठे हो, मैं सुनिया कि उन्होंने अपने जिउंदे जी कदे किसी नाल ना इंसाफी नहीं की। हुण उन्हां दी गद्दी ते तुसी बैठे हो तो मेरा भी एक छोटा जिहा मसला हल कर दिओ। मेरा ना एक शरीक है जी, मेरे हिस्से की जमीन दबी बैठा है, जे तुसी दवा दिओ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैनू मेरा हक लैण लई जी मेरे इन सत्कार योग पुरखियां नूं कोर्ट कचहरियां च खिंचना पैना है जी, क्योंकि गल सिर्फ जमीन की नहीं ना ते थां दी भी है। रंधावा खानदान सिर्फ अपनी जायदाद करके नहीं जाने जाता कि कोई भी ऐरा गेरा किसी जमीन के टोटे पिछे उसकी इज्जत मिट्टी च रोल दे। वडेरियां की थां की हद तो उस पासे जिन्नी भी जमीन है इहदे नाल लवा दो, जे फिर भी कोई झाक रहिंदी होए तां जिहड़ा उड़ाड़ा लिखाउणा है वह भी लिखा दो, पर इहनूं कह दो समाधां ते नज़र नहीं पाउणी। वट दे इस पासे ना ही कदे दा ना हो सकदा है ना ही थां।